दोस्तों, ये जो दो बड़ी मशीनें देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक मशीनें हैं और इन दो मशीनों के मालिक है ल्यू गोंग। अब ये चाइना की कंपनी है। सर हमें बताएंगे इन दोनों मशीनों के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। सर कम्प्लीटली चाइना की कंपनी नहीं है, पहली बात, ये इंडिया में इनका प्लांट है पीतामपुर में। अच्छा, पीतामपुर में प्लांट है। तो उस प्लांट में क्या क्या चीज़ें बनती है? सारे प्रोडक्ट्स वहीं बनते हैं जितने भी खड़े हैं? ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड देयर ओनली। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रिकल रेंज है। करंटली वी हैव टू व्हील लोडर्स इन इलेक्ट्रिक कैटेगरी दिस टाइम। दिस इज द 2-ton व्हील लोडर एंड दिस इज द 6-ton कैटेगरी व्हील लोडर। बोथ ऑफ देम आर बैटरी ऑपरेटेड। दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो इसके सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट किस काम के लिए आता है और क्या फीचर्स हैं, और सबसे ज़्यादा इसे यूज़ कहाँ किया जाता है मेनली? सर ये प्रोडक्ट अभी करंटली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में चल रहा है, और इसके अंदर अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ तो इसके अंदर 350 किलोवाट आर का एक बैटरी बैकअप है जो कि लास्ट करता है फॉर अराउंड 8-10 hours। इसमें LFP बैटरीज यूज़ करी हैं। जो एक्सप्लोडिंग वाला इशू है, एक्सप्लोडिंग वाला इशू इन मशीन्स में नहीं आता है क्योंकि इसमें LFP बैटरीज यूज़ करी गई हैं। हम इसमें CATL का बैटरी पैक प्रोवाइड करवाते हैं। CATL बेस्ट नोन है अभी तक मार्केट में, और द टोटल रनिंग आवर्स इज 8-10 hours एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो। एंड द टोटल चार्ज टाइम ऑफ दिस मशीन इज ओनली 75 minutes। 0-100 इट चार्जेस इन 75 minutes एंड वर्क्स फॉर 8-10 hours। 75 minutes विच फास्ट चार्जर? 180 किलो 60 किलोवाट 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर। डीसी फास्ट चार्जर, यस। अच्छा, अब इसके बारे में जानना चाहेंगे ये क्या है? सर ये 2-ton कैटेगरी का व्हील लोडर है। इसमें 70.5 किलोवाट आर की बैटरी लगी हुई है। वो अराउंड 6 hours का रन टाइम हमें प्रोवाइड कर देती है, और ये मशीन सिर्फ 50-55 minutes में पूरी चार्ज हो जाती है। तो ये बेसिकली यूज़ किन कामों के लिए की जाती है ज़्यादा? सर ये बेसिकली अभी RMC प्लांट्स वगैरह में चल रही है, क्योंकि वहीं पर ही इतना मतलब काम है इसका मेजरली, क्योंकि 2-ton की मशीन है तो उस हिसाब से कैपेसिटी है। तो ये बेसिकली सड़क वगैरह खुदाई में काम नहीं आएगी अगर इलेक्ट्रिक है तो? सड़क खुदाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पावर इसमें डीजल से ज़्यादा है। डीजल से ज़्यादा पावर है, टॉर्क ज़्यादा होता है, पावर डीजल मशीन्स में एक ही इंजन होता है जो हाइड्रोलिक फंक्शंस और ट्रैवल फंक्शंस दोनों को पावर कर रहा होता है। पर इन मशीन्स के अंदर अलग हाइड्रोलिक मोटर है और अलग ही ट्रैवल मोटर है, तो अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग मोटर से परफॉर्म होते हैं, इसलिए ज़्यादा कंपैरेटिवली डीजल से ज़्यादा रिलायबल होती है। तो इसमें कितने किलोवाट आवर का बैटरी पैक बताया आपने? 70.5 किलोवाट आवर। तो ये दो मशीनें आप देख रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रिक है और ल्यू गोंग कंपनी है, जो कि इंडिया में ही प्लांट उन्होंने अपना डाला हुआ है और प्रॉपर इस तरीके की मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें बना रही हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अभी यही है दोनों इलेक्ट्रिक या और भी चीज़ें हैं? अभी सर हमारी करंटली यहाँ पे अवेलेबल यही दो मशीन्स हैं। इसके अलावा डंप ट्रक्स वगैरह भी हैं, वो नियर फ्यूचर में लॉन्च होंगे। एंड इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक एक्सकवेटर है, केबल एक्सकवेटर, वो अच्छा। अभी यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, नियर बाय जस्ट अप्रोच है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरीके से ये ल्यू गोंग इस तरीके की मशीनें बना रहा है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बना रहा है और किस लेवल का काम कर रहा है। मतलब आप खुद सोचो कि बिजली से इतने बड़े बड़े चक्कों वाले ये जो प्रॉपर मशीनें हैं ये चलेंगी और हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगी।